नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन, और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कामदा एकादशी व्रत से संबंधित। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कामदा एकादशी का व्रत व्रती की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है और इस साल यह व्रत किया जाएगा 23 अप्रैल शुक्रवार के दिन। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि कामदा एकादशी व्रत का महात्म क्या है, पूजा की विधि और नियम क्या है, साथ ही कामदा एकादशी व्रत वाले दिन आप किस मंत्र का जप करें, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, और अगर आप कामदा एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि के लिए, अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए इस दिन कौन से छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस प्रकार के तमाम ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी या फलदा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सांसारिक सभी मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। वैसे तो महीने में दो एकादशियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष की एकादशी, परंतु कामदा एकादशी व्रत का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार वर्ष की पहली एकादशी होती है। ऐसी मान्यता है, जो मनुष्य कामदा एकादशी का व्रत पूरी भक्ति भावना से करते हैं उनके सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूर्ण करते हैं और वाजपेय यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और मृत्यु के उपरांत उस व्यक्ति को भगवान विष्णु के लोक में स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, अन्य एकादशी व्रतों की तरह कामदा एकादशी व्रत में भी नियमों का पालन आपको एक दिन पहले से ही करना होता है, अर्थात नियमों का पालन आपको दशमी तिथि से ही करना होता है। दोस्तों, दशमी तिथि को ही आप सर्द होके नहा लें, शुद्ध हो जाएं और दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन करें। दशमी तिथि को शाम के समय भोजन कर लें, रात में भोजन ना करें। रात में सोने से पहले अच्छी तरीके से ब्रश या दातून कर लें ताकि मुख में अन्न का एक भी दाना न रह जाए। सोने से पहले भगवान विष्णु का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें। एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं, भगवान विष्णु ऐसी कृपा करें कि आपके एकादशी का व्रत सफल हो और भगवान की आपको कृपा प्राप्त हो। अब दोस्तों, जिस दिन आपका व्रत है अर्थात एकादशी तिथि को सुबह सवेरे जल्दी उठें, नित कम से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। दोस्तों, नहाने के जल में इस दिन थोड़े से गंगा जल और काले तिल मिला के स्नान करें। ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार से स्नान करने से शरीर के साथ साथ आत्मा की भी शुद्धि होती है और स्नान के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को इस दिन जल अवश्य दें और सूर्य को जल देने के पश्चात अब आपको भगवान विष्णु की षोडशोपचार से विधिवत पूजा करनी है। इसके लिए जहाँ पे आपका पूजा का स्थान है उस स्थान को आप साफ कर लें। वहाँ पे एक चौकी पे पीले रंग का कपड़ा बिछा करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक मूर्ति या फोटो स्थापित करें। अब चौकी के सामने एक आसन बिछा करके बैठ जाएं। इस प्रकार से बैठें कि पूजा करते वक्त आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। अब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का हाथ जोड़ करके ध्यान करें, उनसे ये आग्रह करें कि वो आपके घर में पधारें, आपकी पूजा स्वीकार करें और पूजा का शुभ फल प्राप्त हो, ऐसी आप पर कृपा करें। उसके बाद आपको भगवान विष्णु को स्नान कराना है। पहले गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में पंचामृत जरूर तैयार कर लें। पंचामृत तैयार करने के लिए गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा दही, शुद्ध घी, शहद और शक्कर मिलाकर के पंचामृत तैयार कर लें। इससे भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उसके बाद फिर से शुद्ध जल अर्थात गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराएं। भगवान विष्णु को टीका, चंदन, हल्दी, कुमकुम अर्पित करें, पीले रंग के पुष्प अर्पित करें, वस्त्र अर्पित करें, उनको धूप दीप दिखाएं, जो प्रसाद आपने लिया है वो अर्पित करें, ऋतु फल अर्पित करें,
केला अर्पित करें ऋतुफल के रूप में, अति उत्तम होता है। उसके बाद आप पान अर्पित करें। इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आप एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना है। हाथ में थोड़े से पुष्प, गंगा जल, 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा लेकर के एकादशी व्रत करने का संकल्प लें। मन ही मन अगर आपकी कोई मनोकामना है उसे कहें, भगवान आपकी पूजा सफल करें, ऐसी आप प्रार्थना करें। और पूजा में अगर कोई गलती हो तो उसके लिए भगवान क्षमा करें। ऐसा कहते हुए आपने हाथ में जो चीज़ें ली हैं वो भगवान विष्णु के फोटो के आगे या मूर्ति है उसके आगे रख दें। आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है। भगवान विष्णु की पूजा में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो पुष्प आप अर्पित करें या जो वस्त्र अर्पित करें वो सब पीले रंग के हों। फल में अगर आप भगवान विष्णु को केला अर्पित करते हैं तो वो अति उत्तम है, भगवान विष्णु को केला अति प्रिय है। जो प्रसाद आप अर्पित करें वो भी पीले रंग का हो। साथ ही आप भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग जरूर करें। तो एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती है तो उसको आप 1 दिन पहले ही तोड़ के रख लें और तुलसी का प्रयोग आप भगवान विष्णु की पूजा में जरूर करें। इस प्रकार से पूजा करने के बाद आपको एकादशी व्रत की कथा सुननी होती है, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करना होता है, कम से कम 108 बार अर्थात एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप अवश्य करें। इस दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। इस दिन आप पुरुष सूक्त का जप कर सकते हैं और इसके बाद आपको भगवान विष्णु की आरती करनी है और क्षमा प्रार्थना करना है। और इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको सारे दिन जो है फलाहार करना है। आप भगवान विष्णु का नाम लेते रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें, किसी को कटु वचन ना बोलें। शाम के समय आपको पुनः भगवान विष्णु की आरती करनी है, उन्हें भोग अर्पित करना है। एकादशी में दोस्तों रात्रि जागरण का भी बहुत ही महत्व बताया गया है, तो हो सके तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, मंत्रों का जप करते रहें। और द्वादशी तिथि को भी सुबह सवेरे जल्दी उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें। दोस्तों इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात आपको अब एकादशी व्रत का पारण करना है। पारण करने के लिए पहले ब्राह्मण को दक्षिणा दें, दान दें, ब्राह्मण को भोजन कराएं। जो भी आपने भगवान को प्रसाद फल अर्पित किए हैं वो सब ब्राह्मण को दान दें और उसके बाद आप स्वयं भी भोजन करें। अब दोस्तों कामदा एकादशी की तिथि और पारण का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा 23 अप्रैल शुक्रवार के दिन। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 अप्रैल को रात के 11:35 से और ये रहेगी 23 अप्रैल के रात के 9:47 तक। वहीं एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा 24 अप्रैल शनिवार के दिन और पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 5:46 से सुबह के 8:23 तक। वहीं दोस्तों 24 अप्रैल शनिवार के दिन द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी शाम के 7:17 पे। दोस्तों एकादशी की तिथि हमारे हिंदू धर्म में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानी जाती है। तो अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी इस दिन छोटे छोटे उपायों को आप ज़रूर अपनाएं। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि एकादशी के दिन माता तुलसी की आप पूजा अवश्य करें। सुबह के समय तुलसी में जल अर्पित करें, तुलसी को दीपक दिखाएं, तुलसी की परिक्रमा करें और परिक्रमा करते वक्त एक मंत्र बता देती हूँ, उस मंत्र का जप करते रहें। यह मंत्र है महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। और शाम के समय तुलसी में एक दीपक जलाएं, माता तुलसी की प्रार्थना करें, उनसे कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें, तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें और परिक्रमा करते हुए भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। इस उपाय को अगर आप हर एकादशी को अपनाते हैं तो आप पे भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है, घर में सुख शांति की वृद्धि होती है, उस परिवार में किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं होता। दोस्तों एक और छोटा सा उपाय बता देती हूँ जो कि आप एकादशी के दिन कर सकते हैं।
इसमें करना क्या है आपको कि एकादशी के दिन रात्रि के समय भगवान विष्णु के सामने आपको 9 बत्तियों वाला एक दीपक जलाना है, और साथ ही एक दीपक ऐसा जलाएं, बड़ा दीपक, जो कि रात भर जलता रहे, और फिर वहां बैठ के भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कम से कम 108 बार अर्थात एक माला जप करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना करें। जो भी व्यक्ति हर एकादशी को इस उपाय को दोहराता है उसके घर में सदा सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। एक और छोटा सा उपाय है जो कि आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानी है, पैसे की कमी बनी रहती है, किसी भी कार्य में हमेशा समस्या आती रहती है, बाधाएं आती रहती हैं, तो इस उपाय को आप इस एकादशी से प्रारंभ करके आप हर एकादशी को दोहराएं। आपको करना क्या है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंदिर में सुबह सवेरे एक नारियल और थोड़े से बादाम चढ़ाएं, और उसके बाद वहां पर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, अपनी मनोकामना कहें, अपने संकट कहें, भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करें। इस उपाय को अगर आप हर एक एकादशी को दोहराते हैं तो आपके जीवन की आर्थिक परेशानियां समाप्त होती हैं, पैसों की परेशानी समाप्त होती है, कार्यों में जो बाधाएं आ रही थी वो समाप्त होने लगते हैं, सफलताएं प्राप्त होती हैं और धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आसान से छोटे छोटे उपाय हैं, इनमें से एक या एक से अधिक उपाय आप अपना सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय माता दी।